फिर से आपके लिए बहुत ही सिंपल और बहुत आसानी से बनने वाले रंगोली के डिज़ाइन लाएँ। जैसे कि आप जानते हैं, अगर हम दरवाजे पे रंगोली नहीं बनाते हैं तो मेरा घर फीका फीका लगता है। इसके लिए आज मैं आपको दरवाजे पे कैसे सिंपल तरीके से रंगोली पर वो बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए, इस तरह से मैंने एक क्वार्टर प्लेट ले लिया है, आपको भी इसी तरह से लेना है। और इसे मैंने ठीक इक्वल डिस्टेंस पे इस तरह से दरवाजे के पास रख लिया है। देखिए इस तरह से आप पहले अपने प्लेट्स को इस तरह से लगा लेंगे ताकि हमें किसी भी मेजरमेंट की एक बार जब ये सही से लग जाए तो बस हमें ये जो मैंने इस तरह से पत्ते काट फल छोटे छोटे काट रखे, बस इसे इस तरह से देखिए हाफ प्लेट के पास हमें यहाँ पे हाफ प्लेट ही लेना है। इस तरह से बस इस प्लेट के चारों तरफ से सिर्फ हाफ सर्कल हमें इस तरह से ग्रीन ग्रीन कर लेना है। और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है, तो हमें यहाँ पे एक हल्का सा भी का शेप दे देंगे, देखिए इस तरह से। और फिर इसी तरह से हमें यहाँ भी बना लेना है। इसे बना लिए, बस इसे हमें अपने उंगली की सहायता से बस ऐसे से शेप दे देना है। इसके मैंने यहाँ और येलो वाला फूल दिया, तो इसे भी इसी तरह से देखिए यहाँ पे इस तरह से पहले देते हुए हमें इसके चारों तरफ से इस तरह से फिर से एक सेमी सर्कल बना लेना है। बस इसी तरह से हमें फिर से, बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से बनता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिवाली में इतने सारे काम होते हैं कि हम रंगोली बनाने में ज़्यादा समय हमारे पास नहीं होता। आप इस तरह से पत्ते को कट करके फूल के पेटल्स को निकाल के पहले एक दिन पहले ही आप इसे स्टोर कर सकते हैं फ्रीज में। आप एक कैरी बैग में इसे अच्छी तरह से पैक करके अगर रख देते हैं तो ये ख़राब नहीं होता, हम एक दिन पहले इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसी तरह से येलो कलर भी लगा लिया। अब जो ये मैंने प्लेट रखा था, बस इसे हल्के हाथ से इस तरह से बस हमें हटा लेना है। तो देखिए इस तरह से मेरा इक्वल सेमी सर्कल बन जाता है। तो अब हमें यहाँ पे इस तरह से ऑरेंज का ले लेंगे और यहाँ पे इसी तरह से एक लाइन हमें सेमी सर्कल इसी तरह से हमें ऑरेंज का बना लेंगे, क्योंकि ये मेरा दरवाज़ा है, इसे मैं ज़्यादा चौड़ा नहीं कर सकती, इसे पतला ही बनाना है, इसलिए हम इसके तीन लाइन ही मैं बनाऊँगी। अगर आप ज़्यादा बनाते हैं तो फिर आपको आने जाने में हमें परेशानी होगी, इसलिए इसे पतला ही रखना है थोड़ा सा इस तरह से। फिर एक भी का शेप हमें यहाँ पे दे देना है बस, और इसी तरह से हमें इसे भी कर लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इसे भी बना लिया। अब मैंने यहाँ पे ये अशोक के पत्ते लिए जिसे मैंने इस तरह से हाफ हाफ काट लिया। बस अब हमें करना क्या है, तो हमें इस तरह से देखिए यहाँ पे एक के ऊपर एक इस तरह से हमें जो ये मेरे पत्ते, इसे बस हमें इस तरह से रख लेना है। देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। इससे ये कलरफुल भी हो जाता है। आप चाहे तो आपके पास अगर किसी और कलर का फूल हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप पे है कि आप इसे अपने अनुसार कैसे इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखें मैंने ये अशोक के पत्ते लगा दिए हैं इस तरह से। तो देखिए मैंने इस तरह से इसके चारों तरफ सेमी सर्कल में पत्ता भी लगा लिया, और देखिए बनकर कितना आसानी से और कितना खूबसूरत लग रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे अपने दीपक को लगा सकते हैं तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। आप चाहे तो इस पत्ते को अवॉइड भी कर सकते हैं, ये अगर पत्ता नहीं भी लगाते तो भी ये खूबसूरत लगेगा। तो अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।